गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा पहला पेपर था एंड बजरंग बली की कृपा से मेरा पेपर अच्छा गया है, मतलब बुरा नहीं गया है, मीडियम से ऊपर गया है। आई एम सो हैप्पी। इसका फोन इसमें डालना पड़ेगा। सालो गाइज, आप लोगों में से किसने किसने वो एड देखा है जिसमें सूरज भगवान जी ऐसे स्ट्रॉ लगाते हैं सर पे से और ग्लूकोज पूरा निकाल देते हैं। लिटरली वैसी गर्मी, शक्ल देख रहे हो एकदम, बाप रे कितना घटिया लग रहा है। मर गया आज तो गर्मी की वजह से। पहले से चला एसी, सारे सुख एक सारे दुख एक तरफ, एसी का सुख एक तरफ। अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करके 10 मिनट बाद गुड़ खा के पानी पीऊँगी। टिपिकल देसी स्टाइल ऑफ यूपी वालों का, गुड़ खा के पानी पीने से अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद लंच बनाऊंगी अपने लिए, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूंगी, उसके बाद 4:30 बजे अपलोड भी करूंगी, फिर 5 बजे से फिर पढ़ने बैठूंगी। चलो मिलती हूँ आपसे तब, जब पानी पीने पीऊंगी और थोड़ी देर आराम कर लूँ। एग्जैक्ट 1 बजे उठ के मैंने फटाफट आटा लगाया, मैं रोटी बना रही हूँ। पर्सनल बता रहा हूँ उस टाइम इतने थके हुए थे ना कि समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ही करें, तो इसलिए कुछ देर तक आराम कर लिया। अब रोटी बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, वीडियो एडिटिंग करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी अगर टाइम मिला तो। टाइम तो मिलेगा, फिर 5 बजे से पढ़ने बैठेंगे। ओके, मिलती हूँ आपसे तब, जब खाना खाने बैठूंगी। अगर भूल जाऊंगी ब्लॉगिंग करना तो समझ लेना कि बहुत थकी हुई थी और सिर्फ खाना है और एडिटिंग वगैरह करनी है। इतना जल्दी जल्दी मैंने रोटी बनाया, उसके बाद मैं फ्रिज में सब्जी लेने गई तो क्या देखा कि मानसी ने दूध का पैकेट फाड़ के रखा हुआ था, मतलब कट करके उसमें रखा हुआ था, और उसका सारा दूध वेजिटेबल की बास्केट इसमें गिर गया। और मैंने पूरा अभी क्लीन किया, वेजिटेबल्स क्लीन की, गिर गई। उसके बाद अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को यार, सच में। तो कोई नहीं, किस्मत ही है तो क्या ही कर सकते हैं। अब जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद बैठे बैठे तो ओके, फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात को 3 बजे सोए थे और सुबह 7:30 पे मैं उठ गई थी। जा रही हूँ फटाफट बैठे धोके सोने। वो तो कुछ गंदा था यार जो भी था। अच्छा गाइज, उस टाइम खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी, सो के उठी तो फिर उसके बाद क्या किया था मैंने मानसी, सो के उठी तो मैं मानसी थोड़ी देर बात की, फिर उसके बाद हम लोग गए कुछ सामान लेके आए, तो मैं फ़ोन नहीं रख के गई थी क्योंकि चार्ज नहीं था। फिर वहाँ से आए तो मैं अभी सोई थी, एडिटिंग करी थी पिछले ब्लॉग की, और अभी मैं जा रही हूँ शाम के 6 बजे चाय बनाने, क्योंकि मेरा सर एकदम भारी हो रहा है, क्योंकि जब मैं सोई थी ना तो मैं सोई नहीं थी, क्योंकि एसी ऑन था, फुल एसी था, तो जब मैं ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा सो रही थी तो गर्मी लग रही थी, ब्लैंकेट हटा रही थी ठंडी लग रही थी। इस चक्कर में पूरे 1.5 या 2 घंटे मतलब ऐसा था कि मैं आधी नींद में थी, मतलब नींद भी नहीं हुई और मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ मतलब खराब हो गया। मेरा सर इतना दुख रहा है ना इस वक्त, तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने ताकि मेरे सर का दर्द भी चला जाए, थोड़ा फ्रेश फील करूँ, फिर हम बैठेंगे पढ़ने। कर हर मैदान फतेह। मैं वहाँ चाय बना रही हूँ, ये मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख के चिल्ला चिल्ला के बुला रहे रिपू, इतने लाइक, अरे इतने व्यूज रिपू, इतने व्यूज। अभी मेरे गोलगप्पे वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा जाके देखो, उस पे 1.2K व्यूज हो गए 1 घंटे के अंदर। ये गाइज, आपको पता है जिस गोलगप्पे वाले वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैंने इसको अपलोड किया 4:30 पे, बस मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, अब थोड़ी ठीक लगूंगी शायद। तो उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था 4:30 बजे और अभी बज रहे हैं 6, ठीक है। तो जब मैं बाहर से यहाँ आई घर पे वापस, तो मैंने देखा उसमें से 3 व्यूज थे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके कुछ चीजें चेंज करी एंड देन उसके पास 1.2K व्यूज आ गए। यार चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे ओवर एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ चैलेंजिंग वीडियोस, कुछ फूड चैलेंजेस, ट्रैवलिंग वीडियोस, नेल आर्ट, मेहंदी, सब कुछ दिखेगा आपको मेरे उसमें, मतलब ब्लॉग्स में और यूट्यूब के चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवर एक्टिंग करना पसंद है और मैं हूँ मैं आपको एंटरटेन कर सकती हूँ फॉर श्योर, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मिलती हूँ मैं आपको चाय पीने के बाद, या फिर चाय बना लूँ उसके बाद मिलती हूँ। गाइज, अभी 2 दिन पहले भी मैं पार्क आई थी बट मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, मारदा लेता जी। हाँ, ये गुजराती में बड़बड़ कर रही है, तू आगे जा, भग जा यहाँ से। और मैं और मानसी और हमारी पड़ोसन मैडम आई हैं, जिनको आपने एक ब्लॉग में देख लिया, बट अब रहने दो, छोड़ो नहीं देखने का,
फ्लैट हो जाएंगे आप लोग। ये है मैडम, इनका नाम पता है क्या है? वृंदा। और इसका भाई छोटा ध्यान इसको पता है क्या बुलाता है? वृंदा, मने फोन आपी दे। गुजराती में बोलते हैं मुझे फोन दे दे। और भाई देव हम वॉक क्यों कर रहे हैं? मुझे झूला झूला पर एक दोनों झूले पे आंटी लोग बैठ के झूला झूल रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ उनकी। क्या है वॉकिंग 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 बेफालतू की वॉकिंग। पार्क अच्छा है हमारा, वैसे पार्क तो बहुत अच्छा है हमारा। मुझे झूला झूलते वक्त चक्कर नहीं आ रहा, बट आई होप कि आपको आ जाए मेरे को देख के चक्कर। मानसी और वृंदा उधर बैठे हैं। इतना मजा आ रहा है ना बचपन जी के। मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैं भूल गई थी व्लॉग करना। मैं पार्क से आई थोड़ा से फ्रेश होके, मुझे लगा थोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा बेटर फील करेंगे, बट सीरियसली बहुत गंदा सर दुख रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। और अभी मेरी बिल्कुल हालत नहीं कि मैं बैठ के पढ़ाई करूँ। तो मेरा तो यही है कि मैं अभी 8 बज रहे हैं, मैं इतनी देर से बैठ पार्क से आई तो उससे मैं बेड पर ही लेटी हूँ 7 बजे से, 7 बजे से लेटी लेटी 8:30 बज गया। सर का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, चाय पी थी तो मुझे लगा था शायद ठीक हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ सोने, और इसके बाद मैं सो के जब भी उठूंगी तब ब्लॉग करूंगी और देखते मैं कब उठती हूँ, क्योंकि जब मैं सो के उठूंगी तभी मेरा सर का दर्द कम होगा और उसके बाद ही मैं ढंग से पढ़ पाऊंगी। तो अब आपसे मिलती हूँ जब मैं सो के उठूंगी तब। या तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 10 बजे तक अपना जो डिनर वगैरह वो करके उसके बाद सोऊं, लेकिन मेरा बिल्कुल ना खाने का मन है ना बनाने का, इसलिए मैं अभी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे सोने के बाद जब सो के उठूंगी तब। आई होप मेरा सर का दर्द ही सब ठीक हो जाए ताकि मैं सो पाऊँ, मतलब मैं सुबह उठ के पढ़ पाऊँ, जब भी उठूँ तो उठ के पढ़ पाऊँ। और मानसी अभी उस वाले रूम में गई है, पता नहीं वो शायद पढ़ रही है या सो रही है, आई डोंट नो, बट उसका भी सेम यही हाल है। वो बोल रही थी उसका भी सर थोड़ा थोड़ा दुख रहा था और वैसे आंखें बहुत भरी भरी सी थी। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे सोने के बाद, जब भी उठूँगी तुरंत ब्लॉक करूँगी अगर याद रहा तो। पंखे की आवाज़ को अवॉइड करना, और उस टाइम मानती पड़ी रही थी, मैं 8:23 पर लेटी 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 इतनी वो हो गई ना, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी, आँख बंद कर रही थी, पूरा चुभ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं जाके नहा लेती हूँ एक बार, शायद मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। मानती नहा चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नहाने रात को 9 बजे, और नहाने के बाद बैठ के थोड़ी देर तो पढ़ूंगी पढ़ूंगी, अब नींद को हटाना पड़ेगा पढ़ना, और मेरा कल एग्जाम है, कैसे पास होंगी मैं, कुछ नहीं पढ़ा है चारम का, अभी आज ही पढ़ूंगी जो पढ़ूंगी। चलो नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मैं इस वक्त ब्लॉगिंग मानसी के सैमसंग S2 अल्ट्रा करके कोई डिवाइस है, S22 अल्ट्रा करके डिवाइस है, उससे कर रही हूँ। और सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ बाल बाल धो के, और मुझे इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना पता नहीं क्यों, लिटरली एकदम पसीना पसीना हो रहा है, एकदम गुस्सा आ रहा है। पंखा इतना तेज चल रहा है, सिर्फ कोई फर्क नहीं है। और अभी एसी चला नहीं सकती क्योंकि गीले बाल है, अगर गीले बाल में एसी चला दूंगी तो मेरा सर और दुखेगा। और वहाँ वो मैडम भूल के देखी कॉन्टेंट, गाइस कॉन्टेंट घर में आई भूल। अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ फर्क लगेगा तो बताना मेरे को, ठीक है? क्योंकि मेरे पास OnePlus Nord है, मैं उसी से करती हूँ ब्लॉगिंग, और इसका कैमरा भी मुझे अच्छा लग रहा है, सूदिंग, काफ़ी सूदिंग क्वालिटी का व्यू दे रहा है, ये अच्छा लग रहा है। बट ये अच्छा है कि इसके पास दो दो फोन है, तो मैं अगर इसका एक फ़ोन भी एंगेज है तो दूसरे से ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, अगर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे है या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है तो ठीक है गाइस। अभी तो मैं नहा वाली, अब मैं पढ़ूंगी, अब सीरियसली मैं कम से कम 100 PDF, अरे 100 क्या है, पेजेस है ना PPT की, 108 स्लाइड्स है, उनमें से कुछ तो पढ़ूंगी, उसके बाद देखूंगी अगर भूख लगेगी तो बना लूंगी कुछ, खा लूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर तो एग्जाम देने जाऊंगी। मिलती हूँ आपसे तब जब मैं कुछ कर रही हूँगी। अब वैसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि दिमाग खराब हो रहा है। गाइस मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे से तो कुछ बनाया नहीं गया, मैंने शायद आप लोग को बताया भी, शायद बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो। इन मैडम ने बनाई खीर और बाटी दोनों पड़ोसियों को, पीछे वाली एक पड़ोसन एक साइड वाली,
पीछे वाले से फीडबैक इन्होंने ले लिया, साइड वाले से मैं लेके आई हूँ और वो कह रही है बहुत अच्छी बनी, एकदम परफेक्ट। मेरे को भी सही लग रही थी क्योंकि देखो मैं मीठा ज्यादा खाती हूँ, सॉरी मैं मीठा कम खाती हूँ, तो हाँ तो मीठा ज्यादा है कम है, हाँ तो इन लोग का मतलब इसने खीर बनाई बहुत टेस्टी बनाई, ऐसे ही कैमरे के लिए नहीं बोलती मैं, बस जेन्युइनली इसने सही बनाई खीर, अच्छी बनाई है। और मैंने खुद के लिए सिर्फ इडली मंगा ली क्योंकि इडली हेल्दी होती तो इसलिए खा ली, ये देख लो भाई मान ले भाई, हाँ मान ले। रुको भाई बैक कैमरे से पूरा लाइटिंग के साथ इनकी खीर दिखा देती हूँ मैं आपको, सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे खासे, इनका ये हाथ और इनकी मेहनत, मास्टर शेफ मानसी हमारी किचन में आ चुकी हैं। वैसे ये प्रोडक्ट जो है आई मीन जो मानसी हैं वो शार्क टैंक ज्यादा देखती है, मास्टर शेफ तो देखती नहीं है, बट स्टिल शी कुक गुड फूड। और ये ड्राई फ्रूट्स शायद गार्निशिंग के लिए रखा है मैडम ने, पता ही था मुझे, इतना तो मुझे। रात के 12 बजने वाले हैं और इस ब्लॉग में मैं पूरे टाइम बस यही रोती रह गई कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि जेन्युइनली मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। पार्क भी गई तो मैं अच्छा फील कर रही थी उस टाइम तक, लेकिन जब मैं झूला झूल रही थी मुझे चक्कर जैसा लग रहा था। और उन सब के पीछे बस एक रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न, और वो है मेरे पीरियड्स आ गए, वर्स्ट कंडीशन। इस वक्त मैं बोलने के लिए बहुत एनर्जी ऐसे ले रही हूँ, अभी ये वीडियो बंद होते मैं रोऊंगी, इतना गंदा दर्द हो रहा है, बजरंग बली बचा लो। पर कोई नहीं, ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कर लेना, नहीं करना होगा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी उंगलियाँ हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ नहीं दबाओ यही कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।